बैंकों में जमा 100 लाख करोड़ में से 11,300 करोड़ रुपए का कोई दावेदार नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक चौंकाने वाला डाटा जारी किया है। इसके अनुसार एसबीआई में करीब 1,262 करोड़ रुपए और पंजाब नेशनल बैंक के 1,250 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिनके दावेदार का आता पता ही नहीं है। सभी सरकारी बैंकों में करीब 7,040 करोड़ रुपए को उसके मालिक की तलाश है। आरबीआई के मुताबिक 7 प्राइवेट बैंकों एक्सिस, डीसीबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआईसीआई, इंडसइंड, कोटक महिंद्रा और यस बैंक के पास ऐसी कुल 824 करोड़ रुपए की धनराशि जमा है जिनका कोई भी दावेदार नहीं है। 12 अन्य प्राइवेट बैंकों के पास 592 करोड़ रुपए जमा है। इस तरह से प्राइवेट बैंकों में 1,416 करोड़ रुपयों का कोई दावेदार नहीं है। बैंकों में जमा ये रकम ऐसे अकाउंट होल्डर्स की है जिनकी या तो मौत हो चुकी है या फिर जिनके अकाउंट कई बैंक में है और वो अपना खाता ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 26 के मुताबिक हर कैलेंडर ईयर के समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर भारत के सभी बैंकों को अपने ऐसे अकाउंट्स की जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देनी होती है जिन्हें 10 साल से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।